बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेनामी प्रॉपर्टी उसे कहा जाता है जो कि प्रॉपर्टी आप अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से किसी और के नाम पर एक्वायर करते हैं, परचेज़ करते हैं। अब ये कोई इलीगल चीज़ नहीं है, इसे आपने सिर्फ डिक्लेयर करना होता है। अपने इनकम टैक्स के जो गोशवारे जमा करवाते हैं उसमें अगर आपने उसको शो कर दिया है तो दैट इज़ नॉट इलीगल। और किसी भी सूरत में आप किसी भी शख्स के नाम पर प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं, अपने बच्चों के नाम पर ले सकते हैं, बीवी के नाम पर, शौहर के नाम पर, रिलेटिव्स के नाम पर या इवन अपने मैनेजर के नाम पर और मकसूद चपरासी के नाम पर भी आप ले सकते हैं। लेकिन आप उसको डिक्लेयर कर देते हैं तो वो आपकी लीगल प्रॉपर्टी है। लेकिन हमारा क्वेश्चन फॉर टुडे ये है कि अगर वो बेनामी ऑनर मुकर जाता है और वो आपकी प्रॉपर्टी आपके हवाले करने से इनकार कर देता है, वो कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और मैंने परचेज़ की है, मेरी मलकियत में है तो मैं आपको क्यों दूं, तो उस सूरत में आपको उसके खिलाफ लिटिगेशन में जाना पड़ेगा। लेकिन लिटिगेशन आपकी सक्सेसफुल तभी होगी अगर आप इन तीन बातों पर अमल दरामद करेंगे, इन तीन बातों का खास ख्याल रखेंगे। उसमें पहली बात यह है कि जब भी आपने ट्रांजैक्शन करनी है उस प्रॉपर्टी के सिलसिले में और जो पेमेंट करनी है बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू करें, डायरेक्टली सेलर को करें। और अगर सेलर को पॉसिबल नहीं है तो जो बेनामी ऑनर के नाम पर आप फंड्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको भी डॉक्यूमेंट करें और बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू करें, उसका रिकॉर्ड अपने पास महफूज रखें। प्रूफ आपके पास मौजूद होना चाहिए, विटनेस आपके पास मौजूद होने चाहिए। नंबर दो, उसका जो पोजेशन है प्रॉपर्टी का वो आपने अपने पास रखना है, ना कि उस बेनामी ऑनर को देना है। यानी इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप उसको रेंट आउट करते हैं तो भी वो रेंट एग्रीमेंट आपके साथ होना चाहिए, बेनामी ऑनर के साथ नहीं होना चाहिए। और तीसरी और सबसे आखिरी चीज़ ये कि उसके जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं यानी रजिस्ट्री, इंतकाल वगैरह के डॉक्यूमेंट्स वो सारे आपके पोजेशन में होंगे तो इंशाल्लाह लिटिगेशन में आपको फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का अल्लाह हाफ़िज़।